नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले आरक्षक नवीन उर्फ कमलू नुरेटी को क्रम से पूर्व पदोन्नति का आदेश पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी किया गया था, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर में एसपी पुष्कर शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा द्वारा नवीन उर्फ कमलू नुरेटी को लाल फीती लगाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया। पदोन्नत आरक्षक नवीन ने 2018 में गुमटिया बेड़ा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया था। जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। पूर्व में वर्ष 2018 में गुमिया बेड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ जिसमें 5 नक्सलियों का शव बरामद हुआ था। उक्त मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले आरक्षक नवीन उर्फ कुमलू नोरोटी को क्रम से पूर्व आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था और उक्त आदेश के परिपालन में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिसे फित्ती लगाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है और पदोन्नत प्रधान आरक्षक पूर्व में डीवीसी मेंबर एलओएस कमांडर और अन्य नक्सली संगठन में रहकर कार्य किया था, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की आधारहीन और खोखली विचारधारा से तंग आकर वर्ष 2013 में नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था, जिसके आत्मसमर्पण पश्चात शासन की पुनर्वास नीति के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया गया था एवं शासकीय नौकरी के रूप में आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था।